प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर अंडा वैसे तो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन अंडे को खाने का फायदा आपके शरीर को कितना मिलता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। वैसे तो दोस्तों अंडे में ढेर सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। खास बात यह है कि अंडे में कैलोरीज कम होती है और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट की मात्रा ज्यादा होती है। हालांकि अंडों का पोषक तत्व इसके प्रयोग के तरीकों पर भी निर्भर करता है, यानी आप अंडे को किस तरह से खाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे खाने का फायदा आपको मिलेगा भी या नहीं। कई बार अंडे से बनी डिश आपको स्वादिष्ट लग सकती है, मगर इसमें पोषक तत्व कितने हैं यह कम ही पता होता है लोगों को। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे अंडे को खाने का एकदम सही तरीका आखिर क्या है। दोस्तों कच्चे अंडे में कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसीलिए अंडों को पकाकर खाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अंडे में कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं जिसे कच्चा रहने पर शरीर ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए अंडे को पकाकर ही खाना बेहतर रहता है। कच्चे अंडे को खाने से अंडे में मौजूद कुल प्रोटीन का सिर्फ और सिर्फ 51% हिस्सा ही हमारा शरीर अवशोषित कर पाता है, जबकि पकाकर खाने पर आपके शरीर को 99 से 98% तक प्रोटीन मिलता है। इसका कारण ये है कि तापमान बढ़ने पर अंडों में मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे ये आसानी से पच भी जाते हैं। कच्चे अंडों में कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसीलिए आपको अंडों को ज्यादा से ज्यादा पकाकर खाना चाहिए। और बायोटिन को विटामिन B7 का विटामिन H भी कहते हैं, जो बहुत ही पोषक तत्व होता है और यह मिलता है सिर्फ और सिर्फ कच्चे अंडे में। दोस्तों हालांकि पके अंडे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, मगर इन्हें ज्यादा तापमान पर नहीं पकाना चाहिए। ज्यादा तापमान में पकाने से अंडों में मौजूद प्रोटीन पूरी तरह से नष्ट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। मगर कई दूसरे पोषक तत्व जो होते हैं, जो असरदार होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं, वह नष्ट भी हो जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अंडों को ज्यादा गर्म तापमान में पकाने से विटामिन ए 17% से 20% तक कम हो जाता है और ज्यादा आंच में अंडों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी घट जाते हैं, जिससे आपको ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब दोस्तों आपको कैसे बनाने हैं अंडों को पौष्टिक का आहार। दोस्तों उबले हुए या बाश्ट अंडे आपको ज्यादा खाने हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं। अंडों को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए इसकी डिश बनाते समय इसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का प्रयोग करना है। अंडों में ऐसे तेल में आपको फ्राई करना होगा जो टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, बटर हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। वहीं दोस्तों सफेद की जगह देसी अंडों का प्रयोग ज्यादा सेहतमंद होता है और अंडों को कम तापमान में कम समय तक पकाएं, इससे आपको फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।